एक भाई शर्ट खरीदने के लिए एक प्रतिष्ठित शोरूम के लिए गाड़ी से जा रहा था कि फोन की घंटी बज उठी। सर, महावीर होटल से बोल रहे हैं। हमारे यहाँ गुजराती फूड फेस्टिवल चल रहा है, पिछली बार भी आप आए थे। आप विजिटर बुक में अच्छे कमेंट्स देकर गए थे। सर, देखता हूँ, कहकर उसने फोन बंद कर दिया। गाड़ी थोड़ी आगे चली ही होगी कि फिर से एक कॉल आया। सर, आपके जूते घिस गए होंगे, नए ले लीजिए। कौन बोल रहे हो भाई? आपको कैसे पता चला मेरे जूते घिस गए हैं? सर, मैं सुंदर फुटवियर से बोल रहा हूँ। हमारी दुकान से आपने 1.5 साल पहले जूते खरीदे थे। हमारा कंप्यूटर बता रहा है आपके जूते फट रहे होंगे या फटने ही वाले होंगे। भैया, क्या ये जरूरी है कि मेरे पास एक जोड़ी जूते ही हों? वक्त बेवक्त इस तरह फोन करना कहाँ की सभ्यता है मेरे भाई, कहकर फिर फोन काट दिया। फोन काटा ही था कि घंटी वापस घंघना उठी। सर, आपकी गाड़ी की सर्विसिंग ड्यू हो गई है, 6 महीने हो गए हैं। भाई, आपको क्यों परेशानी हो रही है? मेरी गाड़ी की मैं सर्विसिंग करवाऊं या ना करवाऊं, मेरी मर्जी। कोई प्राइवेसी नाम की भी चीज होती है दुनिया में। गुस्से में उसने फोन काट तो दिया, पर वो एक बार फिर बज उठा। सर, कल पैडमैन की आइनॉक्स में मैटिनी शो की टिकट बुक कर दूं, इस बार एक लड़की थी। क्यों मैडम? सर, हमारा सिस्टम बता रहा है कि आप अक्षय कुमार की हर मूवी देखते हैं, इसलिए। वो मना करते करते थक चुका था, सो पीछा छुड़ाते हुए बोला, चलो बुक कर दो। ठीक है सर, मैं मोबाइल नंबर 992 वाली मैडम को भी बता देती हूँ। हमारा सिस्टम बता रहा है वो हमेशा आपके साथ टिकट बुक कराती रही हैं। अब तो वो घबरा गया। आप रहने दीजिए, कहते हुए उसने एक बार फिर फोन काट दिया। शोरूम पहुंचकर उसने एक शर्ट खरीदी। बिल काउंटर पर गया तो उसने पूछा, सर आपका मोबाइल नंबर? मैं नहीं दूंगा सर, मोबाइल नंबर देने से आपको 20% लॉयल्टी डिस्काउंट मिलेगा। भाई, भले ही मेरे प्राण मांग लो, लेकिन मोबाइल नंबर नहीं दूंगा, उसने दृढ़ता से जवाब दिया। सर, इतनी नाराजगी क्यों? तो दिल, इस मोबाइल के चक्कर में मेरी प्राइवेसी की ऐसी की तैसी हो गई है। मेरा नंबर पता नहीं कितनों में बढ़ गया है, कल को नाई कहेगा। सर, आपके बाल बढ़ गए होंगे, मुझे तो डर है कि 60 की उम्र आते आते अर्थी वाला भी ये न कह दे कि समय और बच्चों का आजकल कोई भरोसा नहीं है। अंतिम यात्रा के लिए एक सुंदर सी अर्थी बुक करवा लीजिए।